हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल डीएनए। आई एम लक्ष्मण। सो गाइस, आज से हम लोग एचटीएमएल की सीरीज शुरू कर रहे हैं। और गाइस, इस सीरीज में हम लोग सीखेंगे कंप्लीट एचटीएमएल। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को छोटे मोटे नहीं कोर्स नहीं बताऊंगा, बल्कि पूरे एकदम प्रो लेवल के कोर्स बताऊंगा। इस वीडियो में आप लोग समझो कि एक्चुअल में कि एक वेबसाइट कैसे वर्क करती है। सो गाइस, बने रहिए सीरीज के साथ। और गाइस, इस वीडियो के साथ ही ये सीरीज में स्टार्ट करो। और आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि HTML क्या है और एक वेबसाइट कैसे वर्क करती है। ठीक है गाइस, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एंड आपको जो वीडियोस है वो हर सैटरडे एंड संडे 7 PM इवनिंग में आपको मिल जाएंगी, तो बिल्कुल मिस मत करेगा इस टाइम को। और गाइस, शेड्यूल प्रॉब्लम की वजह से, टाइमिंग की वजह से, किसी भी सिचुएशन की वजह से, अगर मान लो कि वीडियो नहीं अगर अपलोड हो पाती है सही समय पे, तो प्लीज़ मुझे सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा। क्योंकि गाइस, मैं अभी से सॉरी बोल दूँगा कि गाइस, रही बात टाइमिंग के रिगार्डिंग, तो टाइमिंग के रिगार्डिंग मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब अनकन्फर्म हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सो बस यही बात के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए बिना सोचे समझे, क्योंकि गाइस मैं हमेशा ऐसी वीडियोस में लेके आता रहता हूँ और आप लोगों को भी हमेशा ऐसे कंटेंट रेगुलरली मिलते रहेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, मैं बात करता हूँ HTML की। तो गाइस, HTML से समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हाउ डज वेबसाइट वर्क, वेबसाइट कैसे वर्क करती है। आप जब लिखते हैं www.example.com या किसी भी एक वेबसाइट का नाम .com, तो इससे क्या होगा गाइस कि वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। लेकिन ओपन कैसे होती है, एक्चुअल में वहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, वेब डेवलपमेंट जब मैं कहता हूँ तो एक वेब डेवलपमेंट से क्या मीनिंग निकल के आता है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है गाइस, जब मैं बात करता हूँ गाइस वेब डेवलपमेंट की, जो सिंपल सी बात है, वेब का मतलब होता है गाइस वेबसाइट, राइट। और वेब डेवलपमेंट यानी कि एक ऐसा वर्क, एक ऐसी जॉब, ठीक है, एक ऐसा काम जिसके थ्रू आप वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। गाइस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाना, चाहे एक्सेल शीट में आपको कोई भी मैथ्स का कैलकुलेशन करना, शीट बनाना, इट इज़ वेरी इजी। बट जब हम लोग बात करते हैं कोई चीज़ की डेवलप करने की, चाहे वो ऐप हो, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, सॉफ्टवेयर हो, कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन हो, ठीक है, कोई कन्वर्टर हो, कोई वेबसाइट हो, तो गाइस उस टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ती है डेवलपर्स की, या प्रोग्रामिंग की, या कोडिंग की। गाइस, अभी तक कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिसके थ्रू हम लोग इजीली, हम लोग जस्ट कंप्यूटर को कुछ बोल दें और वो हमारे हिसाब से रिएक्ट करें, राइट। सो इसी वजह से हमें सहारा लेना पड़ता है, हम कोई चीज़ डेवलप करना चाहते हैं, किसी भी तरह का प्रोग्राम, तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, राइट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है गाइस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा प्रोग्रामिंग क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि प्रोग्रामिंग का एवोल्यूशन कैसा हुआ था, प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, और आज की वीडियो में मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रोग्रामिंग क्या है गाइस। गाइस देखिए, बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊँगा, एक डेफिनेशन है, जब भी आप पूछोगे गूगल पे सर्च करोगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, तो वहाँ पे एक आप लोगों को एक डेफिनेशन मिलेगा कि प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। क्या मिलेगा आप लोगों को कि प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, ये आप लोगों को मिलेगा डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को हम लोग तोड़ तोड़ के समझते हैं। प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसका मतलब क्या है, देखिए जब गाइस इंस्ट्रक्शन की बात होती है, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, आदेश, राइट, आदेश। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को कोई एक मोबाइल में कोई काम करना है, लेट्स सी, मुझे आपको लोगों को समझाना है या बताना है या कहना है कि मुझे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज को सेंड करना है, तो मैं क्या क्या वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दूंगा। मैं सबसे पहले बोलूँगा कि डाउनलोड व्हाट्सअप फ्रॉम प्ले स्टोर, ये बोलूँगा। देन क्या बोलूँगा कि व्हाट्सअप पे अपना अकाउंट लॉगिन करो या रजिस्टर करो, राइट। उसके बाद मैं क्या बोलूँगा कि व्हाट्सअप को ओपन करो, राइट। उसके बाद क्या बोलूँगा कि आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर को ऐड करो, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर से आप सेंड करना चाहते हो। उसके बाद क्या बोलूँगा कि व्हाट्सअप में उस चैट को ओपन करो, उसके बाद सेंड मैसेज लिख के सेंड करो। तो ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, डाउनलोडिंग, इंस्टॉलेशन, उसके बाद अकाउंट रजिस्ट्रेशन, उसके बाद चैट फाइंडिंग, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को सेंड मैसेज करने का, ये जो मैंने जितने स्टेप्स बताएं, ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शंस है, राइट।
तो वैसे ही हमें जब कंप्यूटर को कुछ चीज़ बताना होता है कि इस चीज़ को डिस्प्ले करो, डिस्प्ले में इतनी हाइट विड्थ होनी चाहिए, ठीक है, उसका ये कलर होना चाहिए, वो इस तरीके से एनिमेट होना चाहिए, उस पर उसके बाद जब क्लिक होगा उस पर, तो क्लिक होने के बाद ये एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, लेट्स सी कोई मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। जब हम लोग ऐसा कुछ हम लोग बताना चाहते हैं कंप्यूटर को, तो हम उस कंप्यूटर को हिंदी या इंग्लिश नहीं आती या कोई भी अदर कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं आती, उसको आती है गाइस बाइनरी लैंग्वेज। बट बाइनरी लैंग्वेज को समझना हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज जो कि होती है हमारी ह्यूमन रीडेबल। और इस ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास आता है गाइस कंपाइलर। और ये कंपाइलर क्या करता है कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में मदद करता है। और जैसे ही हमारा लिखा गया जो कोड है, जो इंस्ट्रक्शन से वो मशीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, तो मशीन उसको समझ लेता है, राइट। और जैसे ही मशीन उसको समझता है, तो वो अपना जो टास्क है वो परफॉर्म करता है और हमें आउटपुट ला के देता है। सो इसी बेस पे गाइस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वर्क करती है। अब जिस लैंग्वेज के थ्रू, मैंने क्या कहा गाइस कि जिस लैंग्वेज के थ्रू हम लोग कोई एक प्रोग्राम लिख सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सो ये पूरा मतलब हुआ इस डेफिनेशन का कि प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट्स व्हाट एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। मतलब प्रोग्रामिंग एक इंस्ट्रक्शंस का सेट है जिसको कंप्यूटर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। एंड लास्ट में मैं अपना एक वर्ड वो जोड़ देता हूँ, रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। यानी कि इस तरीके से पूरा लिख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट बाय द कंप्यूटर एंड एट द एंड कंप्यूटर प्रोड्यूस एन आउटपुट। ठीक है गाइस, ये पूरा एक सेंटेंस हुआ जो कि मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा में ऐड कर दिया, बट आप लोगों को यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा कि ऐसा कुछ है बोलो, ठीक है। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए पूरा सेंटेंस मैंने बोल दिया, राइट। सो गाइस, ये हुआ हमारा पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन। बट गाइस, जब मैं बात करूँ वेबसाइट की, तो वेबसाइट भी ऑब्वियसली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर लिखी गई है। लेकिन वेबसाइट में कौन सा, जिसका नाम है www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें क्या होता है गाइस, इसका मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब यानी कि डेटा, ठीक है। मतलब इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे पेजेस, एक ऐसे डेटा जो कि एक दूसरे के साथ है, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कनेक्टेड हो, डैट्स कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। इसकी जो इसका जो इन्वेंशन हुआ था वो जो है 90s के टाइम पे हुआ था। और उस टाइम पे गाइस वेबसाइट का मतलब ये था, मैं आप लोग को एग्जैक्ट डेट भी मेंशन करूँगा, पहले जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है गाइस। मैं एग्जैक्ट बताऊँगा कि www का आविष्कार कब हुआ था, HTML का आविष्कार कब हुआ था, ठीक है, मैं सब आप लोग को बताऊँगा। अभी मैं डेट यहाँ पर मेंशन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, राइट। तो इसको हम लोग अलग से समझेंगे, बट अभी मैं आप लोग को जो बताता हूँ वो समझो। सो www का जब आविष्कार हुआ था, तो उस टाइम पे वेब का आविष्कार हुआ था, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था 90s के टाइम पे, कि हम लोग को एक ऐसा प्लेस बनाते हैं, हम लोग को एक ऐसी गैजेट बनाते हैं, कोई एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो कि हमारे डेटा को इंटरनेट पे इजीली एक्सेस करने में मदद करे, राइट गाइस। क्योंकि उस टाइम पे गाइस ऐप वगैरह नहीं होते थे, ठीक है गाइस। तो वहाँ पे जो है कुछ ही मतलब ऐसा था कॉन्सेप्ट कि वहाँ पे डेटा इजिली एक्सेस कर सकेंगे। लाइक कोई कंपनी है, तो कंपनी ने अपना इन्फॉर्मेशन छोटा सा एक लिख के वहाँ पे पोस्ट कर दिया, ठीक है, जस्ट एक इतना ही काम था। बट गाइस, जब धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई अब डेटा तो बन गया, तो अब हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा मतलब इसको डिज़ाइन भी कर लेते हैं। फिर वहाँ पे कॉन्सेप्ट बना कि इसको थोड़ा सा हम लोग प्रोग्रामिकली हम लोग इसको मतलब एबल बना देते हैं जो कि वो डिसीजन ले सके, मतलब ऐसे ऐसे इसका एवोल्यूशन हुआ, राइट। यहाँ पे वेब टेक्नोलॉजी होती है, यहाँ पे जो है सबसे पहला है 1.0 वेब टेक्नोलॉजी, दूसरा है 2.0 टेक्नोलॉजी, और तीसरा है गाइस 3.0 टेक्नोलॉजी जो कि आने वाला है, आया नहीं है, ठीक है गाइस। तो वेब टेक्नोलॉजी में क्या होता, 1.0 का जब समय था, ये 90s की बात में बोल रहा हूँ, उस टाइम पे क्या हुआ था गाइस कि वहाँ पे पेज में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन शो होती थी, राइट, पेज में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन शो होती थी और उसको आप लोग रीड आउट कर सकते थे। लेकिन जब वेब 2.0 आया गाइस, तो उस टाइम पे यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या निकली कि अब ना ही सिर्फ आप डेटा को रीड कर सकते हो, बट डेटा के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ तो फॉर एग्जांपल मैं जस्ट मैं देता हूँ कि मान लो कि फेसबुक है, ठीक है। अब कैसा होता गाइस फेसबुक, कि वहाँ पे फेसबुक के जो ऑनर है मार्क जुकरबर्ग,
वो अगर सिर्फ अपना डेटा पोस्ट करते फोटोज वगैरह और उसको आप लोग सिर्फ देख सकते तो आपको कितना गुस्सा उठता, राइट। बट फेसबुक पे क्या होता है कि हम लोग अपना जो डेटा है, मतलब किसी भी अपने फ्रेंड का डेटा हम लोग देख सकते हैं और उस डेटा पे हम लोग रिएक्ट कर सकते हैं, लाइक करना, डिसलाइक करना, कमेंट करना, उसको शेयर भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इनफैक्ट डेटा जो सेक्शंस में भी डिवाइड होते हैं, वहाँ पे अपना हम अकाउंट भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं अपना अकाउंट, बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं वहाँ पे। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम लोग डेटा के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो इतना कुछ करने के लिए गाइज ऑब्वियसली हमें कुछ तो सीखना पड़ेगा, बिना सीखे तो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे हमें सीखना पड़ेगा गाइज कुछ लैंग्वेजेस, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वेबसाइट में एक वेबसाइट बिल्ड करते वक्त कौन कौन सी लैंग्वेजेस की नीड होती है जो कि आप लोगों को समझना है। अब गाइज यहाँ पे जो मैं लैंग्वेज की नाम लेने वाला हूँ वो लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप चाहे वेब में कितनी ही एडवांस चले जाए लेकिन बेस आपका यही लैंग्वेज रहेंगे। सबसे पहला लैंग्वेज है गाइज HTML। ये क्या करता है मैं सब बताऊंगा, कब क्या इन्वेंट हुआ आप लोग जस्ट वेट करो, मैं सब बताऊंगा, बट अभी जस्ट कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। सो HTML सबसे पहला आया हमारा HTML, ये 90s के टाइम पे आया था। इसमें क्या हुआ गाइस, इसमें कि ये क्या करता है कि हमारे वेब पेज को जस्ट डिस्प्ले करने का काम करता है, वेब का जो स्ट्रक्चर है वो बना देता है, ठीक है। तो वेब का स्ट्रक्चर तो बन गया, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए जब हम लोग सीखेंगे ना इस चीज़ को तो आप लोग और समझोगे अच्छे तरीके से। तो ये करता है कि वेब का जो एक बेसिक जो स्ट्रक्चर जो स्केलेटन है वो बना के रेडी कर देता है, राइट। तो हमारा वेब का स्ट्रक्चर बन गया, एक सिंपल सा स्केलेटन बन गया जहाँ पे एक डेटा डिस्प्ले हो रहा है, बस उस बट उस डेटा को ब्यूटीफाई करने का जो काम है वो कौन करेगा, उसके लिए गए से अलग से हमारी लैंग्वेज बनाएगी जिसका नाम है CSS और इसका फुल फॉर्म है गाइस कास्केटिंग स्टाइल शीट और HTML का फुल फॉर्म है गाइस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो CSS आ गई हमारी। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि चलो भाई आपने अगर स्केलेटन बना दिया है तो मैं उस स्केलेटन पे जो है वो स्किन लाने का काम करूँगा। अब देखो हमारा बॉडी है, ठीक है, तो हमारा बॉडी में क्या होता है, हमारा जो पूरा बॉडी है उसका जो पूरा जो ढांचा है, पूरा जो स्ट्रक्चर वो किसे बना हुआ है, हमारे बोन्स पे बना हुआ है। लेकिन कैसा लगेगा अगर हम किसी कंकाल को देखें, डर लगता है कंकाल को देखने से डर लगता है, ठीक है, स्केलेटन को देखने से डर लगता है। आप लोग म्यूजियम में गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा। तो उसके ऊपर से ब्यूटीफाई करने के लिए हमारे गॉड ने हमें क्या दिया है गाइज, हमें स्किन दी है, ब्यूटीफुल स्किन दिया है, राइट। तो वो ब्यूटीफुल स्किन वो डेटा को ब्यूटीफाई करने का जो काम है वो करते हैं हमारा CSS, राइट। इसके बाद आया गाइज हमारे पास JS, इसका फुल फॉर्म है गाइज JavaScript। अब ये करता है बॉडी का स्ट्रक्चर बन गया, बॉडी को ब्यूटीफाई कर दिया हम लोगों ने स्किन ला के। अब हम लोग इसमें क्या डालेंगे, बुद्धि डालेंगे, क्या डालेंगे हम लोग, बुद्धि डालेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास सोचने समझने की शक्ति है कि नहीं है, हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं, हम लोग कैलकुलेशन करके उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हम लोग सोच समझ सकते हैं, ठीक है, हम लोग किसी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हम लोग डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उस मैनिपुलेटेड डेटा का रिजल्ट निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, राइट। तो अभी जो मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, मेरे पास स्टोर डेटा है, ठीक है, वेब टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने इतना पढ़ के रखा है तो ये स्टोर किया हुआ एक डेटा है मेरे दिमाग में, राइट। इसके बारे में सोच पा रहा हूँ, सोच के इसको और क्लेरिफाई करके आप लोगों को बता पा रहा हूँ। तो ये क्या है, ये सारा काम कौन कर रहा है, मेरा ब्रेन कर रहा है। तो ये जो JS होता है, जो JavaScript होता है, वो होता है वेब पेज का ब्रेन, राइट। अब हम लोग बात करते हैं, ये भी गाइस 90s के टाइम पे इन्वेंट हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं गाइस चौथी लैंग्वेज की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसने आने के बाद पूरे वेब टेक्नोलॉजी में तहलका मचा कर रख दिया, जिसका नाम है गाइस PHP है। हाँ, PHP का फुल फॉर्म है गाइस PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। क्या नाम है गाइस, PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर PHP का फुल फॉर्म है। और ये जब टेक्नोलॉजी जब आई, ये जब लैंग्वेज आया, तो इसने क्या कहा कि ना ही अब हम सिर्फ यूज़र को डेटा शेयर करेंगे, ठीक है, बल्कि यूज़र से डेटा लेंगे भी, उसके ऊपर हम लोग बैकहेंड में कंट्रोल करेंगे, ठीक है, कुछ काम करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको उसका आउटपुट देंगे, ठीक है गाइस। तो ये जो लॉगिन सिस्टम वगैरह जो बनते हैं, फेसबुक पे जो लाइक डिसलाइक का बटन बनता है, ये सब कैसे बनता है, PHP में बनता है गाइस। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को वेब टेक्नोलॉजी के बारे में समझ में आ गया होगा, वेब एक्चुअली बनता क्यों ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और वेब में कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। आई थिंक आप लोगों ने नाम सुना भी होगा HTML से JavaScript PHP का, लेकिन इनका एक्चुअल वर्क क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आज आप लोगों को क्लियर कर दी। अब हम लोग बात करेंगे गाइस थोड़े से एक छोटे से Q&A में, हम लोग मतलब
मैं वीडियो को पॉज करके वापस से मैं रिज्यूम करूँगा और वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे कि कौन सी लैंग्वेज कब बनी थी, किसने बनाया था, ये सारे हम लोग कुछ एक जनरल इन्फॉर्मेशन रखेंगे, ठीक है गाइस। सो ये सारी छोटी सी बातें थी जो मैंने आप लोग को बता दी और आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि हम लोग सीखने वाले HTML यानी कि हम लोग वेब डेवलपमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे और ये बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वेब डेवलपमेंट का जिसमें आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। सो गाइस चलिए मैं अब बात करता हूँ थोड़े से जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। सो गाइस चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो मतलब कब क्रिएट हुई थी और किसने इसको क्रिएट किया था, मतलब एक बेसिक या जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट जो जो मैंने अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बोला है उन सब के बारे में, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, मैंने टेबल एंड मतलब टेबल में सारे डेटा को डिस्प्ले करके रखा हुआ है और जो लोग भी मतलब पार्शियल ब्लाइंड है या साइटेड हैं और जो लोग फुल ब्लाइंड हैं उनके लिए मैं यह रीड आउट करूँगा वीडियो में। चलिए सुनिए ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। सो सबसे पहले हमारा नेम, सबसे पहले मैं नेम बताऊँगा, उसके बाद इन्वेंटेड डेट मतलब कब वो इन्वेंट हुआ था वो लैंग्वेज, उसके बाद किसने उसको इन्वेंट किया था। सो सबसे पहले बात करते हैं हमारी HTML की। तो HTML जो लैंग्वेज है वो इन्वेंट हुई थी 1994 में और इसको इन्वेंट किया था टिम बर्नर्स-ली। अब इसके मैं स्पेलिंग अनाउंस करता हूँ TIM उसके बाद स्पेस उसके बाद है आपका BERNERS-LEE टीम बर्नर्स-ली। इन्होंने आविष्कार किया था 1994 में HTML का, ठीक है गाइस। और HTML का काम क्या है कि ये वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाता है। दूसरा है हमारा CSS। HTML का फुल फॉर्म क्या था गाइस, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब CSS का फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट और इसको इन्वेंट किया था हमारे ये इन्वेंट होता सबसे पहले 1996 में इन्वेंट हुआ था और इसको इन्वेंट किया था हॉकिम वायम लाय, ठीक है। मैं इसका स्पेलिंग रीड आउट करता हूँ HAKON हॉकन वायम WIUM लाय LIE, ठीक है। हॉकिम वायम लाय, हॉकिम वियम लाय, जो भी आप कहो वायम वैसे इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। देन उसके बाद जावा स्क्रिप्ट जिसे हम लोग शॉर्ट में GS भी बोलते हैं, ये इन्वेंट हुआ 1985 में और इसको इन्वेंट किया था ब्रैंडन एक ने इन्वेंट किया था। ब्रैंडन एक भी कहते हैं, एच भी कहते हैं बहुत सारे लोग, बट एक है एक्चुअली, ठीक है। मैं इसे स्पेलिंग रीड आउट करता हूँ BRENDAN ब्रैंडन EICH, ठीक है। ब्रैंडन एक, ठीक है, इन्होंने आविष्कार किया था 1995 में। अब जब हम इन लैंग्वेज को जब हम लोग बारी बारी जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको जो है मैं और डीपली समझाऊंगा, बट अभी एक ऊपर से इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वेब डेवलपमेंट सीखने के टाइम पर। देन है PHP जिसका फुल फॉर्म है PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर और ये इन्वेंट हो रहा 1994 में इन्वेंट हुआ था, राइट। और इसको इन्वेंट किया था हमारे रास्मस लॉडोर्फ ने इसको इन्वेंट किया था और इसका स्पेलिंग बोलता हूँ रास्मस लॉडोर्फ का स्पेलिंग है RASMUS रास्मस लॉडोर्फ LEERDORF लॉडोर्फ, ठीक है। तो ये है मतलब इसके इन्वेंटर का नाम। और कन्फ्यूज़ मत होइएगा क्योंकि HTML जो आविष्कार हुआ था HTML जो है 1994 में इन्वेंट हुआ था और सेम टाइम पे PHP भी इन्वेंट हुआ था, मतलब करीब करीब आप समझ सकते हैं कि 2000 आते आते तक ये तीनों ही लैंग्वेज जो है HTML, CSS, JavaScript और PHP ये सारी लैंग्वेज जो चारों लैंग्वेज वो क्रिएट हो गई थी। और इसीलिए जो है Facebook, YouTube जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो बन पाई, ठीक है गाइस। सो आई होप गाइस कि आज की वीडियो में आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछिएगा, कमेंट में पूछ सकते हैं और आप लोग मुझे जो है ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी जो है मैं दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में।
सो उस पर भी आप ईमेल आईडी कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता आप लोग मुझसे पूछिएगा। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, क्योंकि गाइस ये वीडियोस आपको मिलती रहेंगी इस तरह के कंटेंट्स और ऐसे सीरीज में लाते ही रहूँगा आप लोगों के लिए। और आप लोगों ने अगर सपोर्ट दिखाया गाइस तो मैं HTML का वीडियो लेकर आया हूँ, मैं CSS JavaScript सबके ऊपर वीडियो लाऊंगा, PHP जितने भी एडवांस वेब डेवलपमेंट का होंगे वो भी, जितनी लैंग्वेज मुझे आती है जितना मुझे आता है सब आप लोगों को सिखाऊंगा। बट आई नीड सपोर्ट, ये गाइस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग मुझे सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और सब्सक्राइब नहीं करते हो कोई बात नहीं, चलो चल जाएगा सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो, लेकिन कम से कम वीडियो को देखा करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो जितना ज़्यादा हो सके गाइस। क्योंकि गाइस मेरे कॉन्टैक्ट में जितने लोग हैं उन लोगों को मैं वीडियो शेयर करूँगा, लेकिन आपके कॉन्टैक्ट में जितने लोग हैं उन लोगों को सिर्फ आप शेयर कर सकते हो, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। सो गाइस आप सब मेरे फैमिली हो और आप सब अपने अपने मतलब आप सब मेरे फैमिली हो और मैं अपने फैमिली मेम्बर से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो अपने हमारे जो फैमिली है उसको और बड़ा करने में मदद करेंगे। थैंक यू गाइस, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।